नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस लेवल फर्स्ट के एग्ज़ाम में जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुनी थी, उस फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का जो आंसर की है वह इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो आंसर की बताने जा रहा हूं वह दोस्तों पेपर कोड जो क्यू कोड था, उस क्यू कोड की आंसर की है। और अन्य कोड जिन लोगों के पास है पेपर है, वह दोस्तों अपनी क्वेश्चन देखें, जैसे मैं आंसर बोलूं तो वह क्वेश्चन आपके पेपर में भी होगा, क्रम चेंज हो सकता है, तो वहां पर जाकर आप उसे मिलान कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन एवं आंसर बोलूँगा, उसे आप मिलान कर सकते हैं, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो, आप जल्दी से उसे मिलान कर लें। अब देखते हैं दोस्तों कि परीक्षार्थी भाग चार में 91 से 120 नंबर तक क्वेश्चन है, ये प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि आपने उन्होंने फास्ट सा फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट विकल्प हिंदी चुना है। तो इसके वीडियो के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो पहले के जो तीनों पार्ट हैं, जैसे सामान्य पर्यावरण अध्ययन का हो गया, साइकोलॉजी का हो गया, मैथ का हो गया, उन तीनों पार्टों की वीडियो बनाकर हमने डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप वह भी देखें, तब वह भी आंसर की आप मिला सकें। आंसर की दोस्तों 100% अपनी सही आंसर की है, विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है, तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं कि नीचे दिए गए कद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो ये दोस्तों पद्यांश दिया गया है, इसे आपको वीडियो को प्यूज करके आप पढ़ सकते हैं, देख रहे हैं। यदि आंसर मिला रहे हैं तो आंसर आपको आराम से बाद में मिला लेना, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चनों पर ले चलता हूँ। तो ये पद्यांश आप पढ़ लीजिए, पद्यांश आपने पढ़ लिया, वीडियो को प्यूज करके पढ़ सकते हैं। अब इसका आंसर पर जाते हैं। तो आंसर दोस्तों 91 नंबर का जो क्वेश्चन का है वह है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते हैं। तो इस अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को चार भागों में बांट दिया गया है, जिनमें से एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ख है, यह राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका एक नंबर सही हो गया। दूसरा है दोस्तों, शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। तो शेष शब्दों से जो भिन्न शब्द पहचानना है, इसमें सत्यवादी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीत अर्थी शब्द कौन सा है। तो निस्वार्थ का जो विपरीत अर्थी शब्द है वह कौन सा है दोस्तों, तो वह हो गया स्वार्थी। अगला देखते हैं, पाठ्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना हुआ है। तो ये किन से बना हुआ है, ये अधि इक और ता से बना हुआ है। नेक्स्ट है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं जो, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 95 नंबर का क्वेश्चन है, जो सेवक वर्ती अपनाकर अपना परहित करते रहते हैं। तो ये एक नंबर इसका सही हो गया। अब अगला 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यह दोस्तों कठोर सत्य किसे कहा गया है। तो कठोर सत्य है ये किसे कहा गया है, तो यह दोस्तों कहा गया है भौतिक शरीर की नश्वरता को कठोर सत्य कहा गया है। अगला है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो इसके लिए दोस्तों क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेने की बात बताई गई है। अगला देखते हैं, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें तो हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है, हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें तो प्रेरणा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है। तो धर्म के जो आचरण का उद्देश्य है, यह अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो ये काव्यांश यहाँ पर दिया गया है, इसे आराम से आपको वीडियो यूज करके आराम से पढ़ लेते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, जिससे अपने को आंसर मिलाने में ज्यादा समय ना लगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से कथन में तूफान का भाव क्या है। तूफान का भाव है दोस्तों आक्रमण। नेक्स्ट है, अंडमान से कश्मीर है भारत में क्या है। अंडमान से कश्मीर भारत में क्या है, भारत में दूरस्थ राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, 102 नंबर का क्वेश्चन है, यह है दोस्तों, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या हो जाती है। तो वहाँ दोस्तों जो भी है इसका राइट है, वहाँ शुभ कार्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पैर शब्द समानार्थी नहीं है। तो किसका है जो पैर शब्द समानार्थी नहीं है, तो ये दोस्तों पैर है, ये नव का
समानार्थी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं, सबसे पहले हम दोस्तों भारतीय हैं। अब ये तो हो गए, अब अगला क्वेश्चन है, समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है तो शेष से जो भिन्न पद है उसका नाम हो जाएगा अपनी अपनी। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का आपको चयन करना है। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, तो आप सर्वाधिक महत्व देंगे दोस्तों पोर्टफोलियो को, तो पोर्टफोलियो को सर्वाधिक महत्व देना है। अगला प्रश्न है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है अक्षर ज्ञान। नेक्स्ट है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसका नाम है दोस्तों विचारों की अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक जो भूमिका होती है वह दोस्तों प्रसिद्ध रचनाओं की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या किया जाना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा का समृद्ध परिवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाषा कौशल के संबंध में दोस्तों ये कथन सही नहीं है, दो नंबर का, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा क्योंकि यही पूछा गया है। अगला है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली जो त्रुटियाँ हैं उसके संबंध में जो कथन उचित नहीं है वह कौन सा है दोस्तों, तो वह है त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है, तो बच्चों के जो भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। अगला जो क्वेश्चन है वह है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, जो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है वह दोस्तों जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, बातचीत करना बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सीखने सिखाने का अर्थ होता है वह होता है दोस्तों भाषा का प्रभावी प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से आप भाषा समझते हैं, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा समझते हैं यह विचार किस वैज्ञानिक का या किसका है, तो ये जो विचार है ये वाइगोत्स्की का विचार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनकी भाषा विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वह है बाल साहित्य। अब देखते हैं जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा और हिंदी के पार्ट का भी, लैंग्वेज फर्स्ट जिन्होंने चुना था हिंदी उनका भी अंतिम क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है, मुख्य अंतर का आधार क्या है दोस्तों, तो मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब दोस्तों जो सेकंड पार्ट है, अगला जो पार्ट होगा पांच नंबर पार्ट है, उसमें तो कुछ बच्चों ने इंग्लिश सुना है, कुछ ने हिंदी सुना है, कुछ ने संस्कृत सुना है, तो आपने किस भाषा का चयन कर रहा था, उसमें हम किसका वीडियो हम लेकर आएँ वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, सर इसकी आप आंसर की आप लेकर आओ, तो उसका वीडियो बनाकर हम आपके डिमांड के आधार पर डाल देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।